ಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರ ಪದೀಪ ಚಿಂತಿ ಗಂಬರೆ ಮನೋ ವಿನೋದ ಮೇತು ಅಸಿನಿ ಜದಾರು ಜಂಗ ಪಿಂಗಲ ಸ್ವರತ್ತನ ಮಣಿ ಪ್ರಭಾ ಕದಾಂಬ ಕುಂಕುಮ ದ್ರವ ಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವದೋಮುಖೆ ಮದಂತ ಸಿಂಧುರ ಸ್ಫುರ ತ್ವಗುತ್ತರಿಯ ಮೇದುರೆ ಮನೋ ವಿನೋದ ಅದ್ಭುತಂಬಿ ಭರ್ತು ಭೂತ ಭರ್ತರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ सर मी नागपूर. नमस्ते मोदी जी. सर नाव काय तुमचं? माझं माही माई गुरुजी म्हणून मला इथे ओळखतात. 22 वर्षापासून इथे आहे सर आणि सगळं मी शिकवलं इथे आणि भाऊ पण तिथे आहे. इथे मी सर योग आणि संस्कृत शिकवतो आरती आणि तुमचे शिष्य सर इथे तर माझे कमीत कमी 2 लाखपर्यंत आणि आयुर्वेदिक मला इथे 20 वर्ष झाले. यस सर. वाणी छान केलं आणि सर खूप चांगलं आहे. सर माझी एकच अपेक्षा आहे फक्त आपल्याला की इथे भारत सरकार आणि इटालियन सरकार आयुर्वेदिकला आयुर्वेदिकला परमिशन सर. थँक्यू सो मच. मजामा छो मोदीजी. नमस्ते मोदीजी. नमस्ते लक्षणार नमस्ते मोदीजी. नमस्ते मोदीजी. ಜತಕ್ಕತಃ ಸಂಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಜರಿ ವಿಲೋಲವೇ ಜಿವಲ್ಲರಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮುರ್ದರಿ ದಗದ್ದ ಗದ್ದ ಗಜ್ವಲಲ್ಲಲಾತ ಪತ್ತ ಪಾವಕೇ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಮಮ ನರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನಿ ವಿಲಾಸ ಬಂಧು ಬಂಧುರ ಸ್ಫುರ ದಿಗಂತ ಸಂತತಿ ಪ್ರಮೋದ ಮಾನ ಮಾನಸೇ ಕೃಪಾಕ ದಕ್ಷ ಧೋರಣಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರ ಪದೀಪ ಚಿಂತಿಗಂಬರೇ ಮನೋ ವಿನೋದ ಮೇತು ವಸ್ತುನಿ ಜದಾ ಭುಜಂಗ ಪಿಂಗಲ ಸ್ಫುರದ್ದನ ಮಣಿ ಪ್ರಭಾ ಕದಂಬ ಕುಂಕುಮ ದ್ರವ ಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವ ದೋಮುಖೆ ಮದಂತ ಸಿಂಧುರ ಸ್ಫುರ ತ್ವಗುತ್ತರಿಯ ಮೇದುರೆ ಮನೋ ವಿನೋದ ಅದ್ಭುತಂಬಿ ಭರ್ತು ಭೂತ ಭರ್ತರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಹರೇ ಹರೇ ಮಹಾದೇವ. ಮೋದಿ 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 आंके हमारा जशोत्री जी नरेंद्र मोदी जैसा हमारा भारत के लिए आका दुनिया का सामने बड़ा किया. हमारा इटाली इटाली में भी भारतीय जनता पार्टी का है. ये आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का शाखा इटाली में भी है. हमारा जो इधर का प्रेसिडेंट श्री जोशी जी ये इटाली बीजेपी का जो ये बनाया मोदी जी का जो जोश वो जोश इधर दिखाने के लिए हमारा जो 3 तलाक खत्म एवं इंडिया में बहुत सारी कानून जो बनाया कश्मीर लेके जो प्रॉब्लम था हमारा इंडिया के अटूट रखने के लिए इंडिया का मान सारा दुनिया का सामने आने के लिए जितना किया ये अभी तक कोई पीएम ने नहीं किया. हमारा इंडियन होके हमारा शौर गर्व में इटली में हम लोग बोल सकता है यू सोनो इंडियन हो. इसके लिए सिर्फ मोदी जी के लिए ही ये काम हो सका. इसलिए हम बोलता है हर हर मोदी भारत माता की हर हर मोदी. इंडिया में कलकत्ता में इटली में लगभग 16 साल से हूँ और श्री दुर्गाना मंदिर कस्तल वेर्दे जो कर्मोना में है उसका सेक्रेटरी हूँ और मार्बल बिजनेस से बिलोंग करता हूं. एक इंडिया की कंपनी है वेंकीज. इस कंपनी ने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है और एक माइन खरीदी हुई है.
और मैं मार्बल बिजनेस से बिलोंग करता हूँ। और मोदी जी के आने पर हमारे मार्बल बिजनेस को एक बहुत अच्छा फायदा हुआ है, क्योंकि 2014 से पहले क्या था कि एक मोनोपोली थी इंडिया के अंदर यहाँ से मार्बल मंगाने की। इटालियन मार्बल बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ से सिर्फ वही लोग मंगा सकते थे जिनके पास लाइसेंस था। मोदी जी के आने के बाद वो लाइसेंस पॉलिसी खत्म कर दी गई। अब इंडिया के अंदर कोई भी इटालियन मार्बल मंगा सकता है। अगर कोई अपना घर बना रहा है, बंगलो बना रहा है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से इम्पोर्ट कर सकता है। तो हमारे इंडियंस के लिए भी, और हम बिजनेसमैन, जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वेंकीज को, हमारी यहाँ पर माइंस है, क्वेरी है, तो हम लोगों के लिए भी ये फायदा हुआ है कि हम भी किसी भी क्लाइंट से को बेच सकते हैं, और वहां पर भी कोई भी इंडियन इटालियन मार्बल यहाँ से कभी भी इम्पोर्ट कर सकता है। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो आज रोम की धरती पर आ रहे हैं, उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और हम सब की पिछले लगभग 2 वर्षों से काफी कामना थी, काफी हमने लिखित रूप में भी एमएससी को दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इटली की विजिट पर आए, क्योंकि अगर हम पिछले लगभग उनके 7 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने दुनिया के लगभग सभी मजबूत देशों का दौरा कर चुका है। इटली एकमात्र ऐसा देश था जो वहां अब तक नहीं आए थे। दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष 2020 में उनको आना था मई महीने में, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनकी वो यात्रा स्थगित हो गई थी। और आज ये सौभाग्य मिला हम सभी को कि दीपावली से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी भारतीयों को इटली में एक दीपावली पर्व मनाने का उत्सव दिया है, तो मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि जो भारत और इटली के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे स्तर पे मजबूत होंगे और एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जो इटली के प्रधानमंत्री जी दोनों मिलकर के G20 सम्मेलन में एक नई ऊर्जा के साथ अपने विचार रखेंगे। और आने वाले समय में भविष्य में यही कामना करते हैं कि भारत और इटली की आपस में भाईचारा बना रहे, विचार मिलते रहें। और क्योंकि हम सबकी जन्मभूमि हिंदुस्तान है और हम सबकी कर्मभूमि इटली है, तो हम सबकी यही कामना है कि इटली और इंडिया आपस में मिल करके विदेशी स्तर पर एक अच्छे स्तर पर आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप इसी प्रकार से करते रहे, इसी प्रकार से हमारा देश एक दूसरे का मान सम्मान करें, अच्छे मंगल कामना करते हैं। तो एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के G20 सम्मेलन में पहुंचने पर तहे दिल से पूरे समस्त हिंदुस्तानियों की तरफ से इटली में रह रहे हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अंत में यही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि 35 साल के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री है जो इटली में आ रहा है, और हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा गर्व है कि ये नरेंद्र भाई मोदी जी वर्ल्ड के लीडर हैं और पहले स्थान पर चल रहे हैं। दूसरा यह है कि इन्होंने भारत के लिए जब से 2014 से आए हैं, जो इन्होंने बोला है वो किया है, वो सारा जो जमीन पे दिख रहा है। पहले तो ये था कि गड्ढे गड्ढे थे, अब वो गड्ढे भर गए और नींव दिखाई देने पड़ गई है। अगर अगले 5 साल और आए तो हमें इमारतें दिखेगी,